हर रोल जो सीरियल का रहता है वो बहुत ही अहम रहता है। रिसेंटली तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो अंजलि का रोल था जो नेहा कर रही थी वो छोड़ के चली गई और उनके बदले सुनैना फौजदार आई है। सो एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहोगे जो नया रोल है जो नया फेस आया हुआ है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेहा मेहता अंजलि का रोल बहुत अच्छे से निभा रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो छोड़ के चली गई है, तो सुनैना फौजदार जो आई है वो भी मेरे हिसाब से अच्छा ही निभाएंगे क्योंकि मैंने उनको पहले भी दूसरी सीरीज में देखा है तो वो अच्छा कर सकते। देखो अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं बचपन से देख रहा हूँ सीरियल में ही नहीं, मेरे घर वाले भी देख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता था, उनके कैरेक्टर भी हर एक कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में सूट होते थे। अभी जो नई सुनैना आई है अभी हमें पहले उसको देखने में थोड़ा टाइम जाएगा, फिर उसमें अपने कैरेक्टर में सूट होगी, धीरे धीरे हमके हमारे मन को भाएगी। बाकी हमें पसंद तो अंजलि थी, तो वी विल मिस यू। हाँ जी हाँ, मैंने भी रिसेंटली देखा कि कुछ रिप्लेसमेंट हुआ है तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मैंने पहले भी सीरियल्स देखे हैं सुनैना फौजदार के, तो शायद ये भी रोल वो बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। जी मुझे पता चला कि नेहा मेहता जी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा लीव कर दिया है और कुछ रीज़न होगा। और बाकी सुनैना जी के भी मैंने पहले काफ़ी सीरियल्स देखे, उनके साथ भी उनके पहले के सभी सीरियल्स में बहुत ही अच्छा रोल है उनका। और बाकी ये जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है जो ऑल वर्ल्ड फेमस है, तो इनके जो भी रिव्यूज़ रहेंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे उसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर, और बाकी अच्छा सूट ही होगा। अंजलि का जो रोल था उसके बाद जो सोडी का रोल था वो भी चेंज हो गया है, जो पहले गुरुचरण सिंह करते थे अब बलविंदर सिंह कर रहे हैं। सो एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहेंगे जो वो नया फेस आया? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुचरण का जो रोल था, उनकी जो एनर्जी थी, एज पंजाबी जो अंदाज था वो बहुत अच्छा था, तो उनको हम बहुत मिस करेंगे। लेकिन अभी देखना पड़ेगा क्योंकि वो है तो नहीं अभी, तो बलविंदर सिंह कैसे करते हो। मैं कहना चाहूँगा मुझे पहले वाला सोडी बहुत पसंद था उसका, और डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर बहुत अच्छा जमता था दोनों का केमिस्ट्री, तो मुझे पहला सोडी बहुत पसंद था और कॉमेडी भी बहुत करता था। तो अभी जो नया बलविंदर आया अभी उसका कॉमेडी कैसा रहेगा हमें मालूम नहीं, अभी देख के मालूम पड़ेगा कैसा है। बाकी मुझे पहले वाला सोडी ज़्यादा पसंद। एज अ तारक मेहता व्यूअर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक के बाद एक रिप्लेसमेंट आ रहे तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है, पर जैसे मैंने पहले भी उनका काम देखा है, कुछ मूवीज़ भी पहले उन्होंने की है, तो उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना किरदार निभाया था, तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें भी शायद वो निखर कर आएंगे। जी जो उनके रिप्लेसमेंट में आ रहे बलविंदर सिंह जी की, उनकी मैंने बहुत ही बचपन में मूवी देखी दिल तो पागल है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को सपोर्ट दिया था, और उनके बहुत ही कॉमेडीज मूवी है और सीरियल्स भी है, और ये सोडी के रिप्लेसमेंट में परफेक्ट ही है। दया बहन का जो रोल है जो दिशा वकानी कर रही है वही बहुत टाइम से दिख नहीं रही है, सो एज अ व्यूअर आप कितना मिस कर रहे हो उन्हें? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उन्हें क्योंकि उनका जो अलग कॉमेडी का स्टाइल है, जो आवाज़ निकालती है, वो सब देख के बहुत हंसी आती है, तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं ये बोलूँगा कि वो जितना जल्दी वापस आ जाए अच्छा है। मैं दया बहन को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं ही नहीं जितने जन तारक मेहता जो देखते हैं वो दया भाभी के बहुत बड़े फ़ैन है, क्योंकि दो जन की वजह से वो सच चल रहा है, जेठालाल और दया, तो सभी लोग दया भाभी को बहुत ही मिस करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से वो आ भी नहीं रही है। अभी उनका शायद बिग बॉस में भी आएगी, तो बहुत टाइम तक हमें वो तारक मेहता में देखने को नहीं मिली। दया बहन जैसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है तारक मेहता के उल्टा चश्मे में, तो मैं कहना चाहूँगा कि उनका वापसी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है, जो वन लाइनर पंच लाइन रहता है उनका, बहुत बढ़िया लगता है और शायद मेरी तरह बहुत सारे व्यूअर्स को यही लगता होगा, तो मैं चाहूँगा कि वो बहुत जल्द से जल्द। तो तारक मेहता उल्टा चश्मा एटलीस्ट देखा जाएगा तो दया बहन जेठा जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, और दया बहन जल्द से जल्द आ जाए वही हमारी ये फैंस बहुत ही वेट कर रहे हैं उनके रोल्स के लिए, और उनके रोल्स हमेशा सुपर्ब। और दिशा वकानी जो है वो कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि बिग बॉस 14 में आने वाली है, सो एज अ व्यूअर क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे बिग बॉस 14 में? मैं नहीं देखना चाहूंगा क्योंकि हमने दिशा को पहले बहुत फैमिली ड्रामास में देखा है, तो और वो बहुत अच्छे से निभाती है, वो तो वो एक बिग बॉस में आके इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। आएगी तो मजा तो बहुत आएगा कि हमें उन्हें बिग बॉस में देखने मिलेगा, लेकिन एक है कि हम उन्हें तारक मेहता में नहीं देख पाएंगे, लेकिन बिग बॉस में आएगी तो उनका कॉमेडी तो मुझे लगता है कि बहुत करेगी वो, क्योंकि दया भाभी तारक मेहता में बहुत ही कॉमेडी करती थी, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस भी उसका दया भाभी की वजह से TRP आ सकता है ऊपर। जैसे उनका रोल है बहुत ही तड़कता भड़कता रोल है, तो मैं चाहूँगा कि हाँ वो अगर बिग बॉस 14 में आती है तो फिर बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा सब कंटेस्टेंट्स का, क्योंकि उनका जो वन लाइनर्स होता है, जो डायलॉग डिलीवरी होता है, बहुत बढ़िया होता है,
तो कहीं ना कहीं हमें भी ये बिग बॉस में देखने मिले। जी जरूर, जो उनके कैरेक्टर्स है जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, वैसे ही उनके जो बिग बॉस में अच्छे जो रंग रहेंगे, अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स जो उसमें मुझे देखने मिलेंगे। और ये बिग बॉस का शो तो पहले से ही फेमस है, और जो दया बहन उधर ऑलरेडी फेमस है जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा रोल में, और इसमें बिग बॉस में भी फेमस। तारक मेहता उल्टा चश्मा की बात करो तो कितना एंटरटेनिंग है ये शो? ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 12 साल से हमें हंसाया है और उन्होंने वो TRP मेंटेन किया है, तो कोई भी एपिसोड देख ले उसमें हंसी आती ही है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत एंटरटेनिंग शो। वो तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एंटरटेनिंग वो एक ही सीरियल रहेगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जो भी रात को जो 9-10 बजे काम पे आते हैं, एक ही चैनल सीधा ज़्यादातर घर में लगता है सोनी सब, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो सीरियल मेरा ही नहीं, सभी लोगों का सबसे फेवरेट सीरियल मुझे लगता है कि कॉमेडी में वही रहेगा। सीरियल तो बहुत एंटरटेनिंग है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे से या किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं तो उनके मुंह पे हमेशा तारक मेहता का नाम रहेगा ही रहेगा। तो एंटरटेनिंग फैक्टर के मामले में बहुत बढ़िया वो शो काफ़ी फेमस है, और बहुत ही एंटरटेनिंग है। और मैं कब से बचपन से देख के आ रहा हूँ वो, और जो उनके फर्स्ट एपिसोड से लेकर अभी तक के जितने भी सब उनके कैरेक्टर से सभी अच्छे हैं, और मुझे बहुत ही पसंद आता है। ये अब तक के लिए मेरे लिए पहले नंबर 1 सीरियल रहेगा जो इतना फन, कॉमेडी और एक फैमिली जैसा है। तारक मेहता में सारे ही यूनिक कैरेक्टर बहुत ही फेमस है, बट एक जो आपका फेवरेट कैरेक्टर वो कौन सा है? मेरे सभी फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, बट अगर किसी एक का नाम लेना हो तो मैं भेड़े का लूंगा, क्योंकि उनकी जो भेड़े और जेठालाल की जो नोकझोंक होती है उसमें बहुत मजा आता है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर जेठालाल है, उनका मुझे शर्ट का अंदाज बहुत अच्छा लगता है, हर बार उनका अलग अलग शर्ट रहता है, और वही एक ऐसे कैरेक्टर है जो हर बार अलग अलग कपड़ा पहन के आते हैं। उनका शर्ट मुझे बहुत पसंद है, और उनका कॉमेडी रोल भी बहुत पसंद है, जो और उनका जो फ्लर्ट करते बबीता के साथ वो और भी पसंद है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर सुंदर है, जो कि दया बहन के जो भाई है, ब्रदर है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो उनका जो नोकझोंक रहता है उनके जीजा के साथ वो बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है मुझे। जी तारक मेहता में मेरा फेमस कैरेक्टर जो है, रोल जो करते हैं वो जेठा जी का जो रोल है, उनके जो रोल्स है, उनके जो लाइंस पंच लाइंस इतने हिट्स रहते हैं जो पब्लिक को डायरेक्ट हंसाई देते हैं। जो ऐसा बीमार भी रहेगा वो भी हंस जाएगा दो 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 बार तीन तीन बार ये शो देख के।